पेंडुलम है, ये पेंडुलम यहाँ पे है, ये लो यहाँ पे, और ये एंगल कितना है, थीटा है, इसका एंगल थीटा है। सेम क्वेश्चन ले लेते हैं, पिछला क्वेश्चन सेम ही तो था, एल की वैल्यू वन, एल की वैल्यू वन, 10 मीटर पर सेकंड सेम, और आपने वी निकाल लिया था, कैसे निकाला था भाई, एनर्जी कंजर्वेशन से, वी आप निकाल लेंगे एज्यूमिंग, ठीक है, वी आप निकाल लेंगे, मास की वैल्यू इसमें 1 केजी गिवन थी। मेरा क्वेश्चन ये है कि इस केस में कौन सी फोर्स इस पेंडुलम को नीचे लेके आ रही है, आप मुझे ये बताएं। अभी बात भी की थी, ये 1g cos 30 है, ये 1g sin 30 है, कौन सी फोर्स इसको नीचे लेके आ रही है, 1g sin 30, mg sin 30, सही। क्या ये मोशन यूनिफॉर्म होगा नीचे आने में, ये नॉन यूनिफॉर्म होगा, नॉन यूनिफॉर्म इसलिए क्योंकि वेलोसिटी बढ़ती 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 जाएगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो मेरे को क्वेश्चन में ये निकालना है, फाइंड नेट एक्सेलरेशन कब, जब एंगल कितना है 30। अब प्रॉब्लम ये है कि जब वेलोसिटी बढ़ेगी, नीचे की तरफ बढ़ेगी, तो इसमें कौन सी एक्सेलरेशन जनरेट हो जाएगी, 80। तुमने खुद ही कहा वेलोसिटी बढ़ रही है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो लेनी पड़ेगी, वेलोसिटी बढ़ रही है, और क्योंकि पार्टिकल सर्कल में भी घूम रहे हैं, सर्कल में घूमने के लिए कौन सी एक्सेलरेशन चाहिए, सेंट्रिपिटल, तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन कहां पर है, टूवर्ड्स सेंटर, तो नेट एक्सेलरेशन बोलो यहां पर क्या होगी, अंडर रूट ऑफ 80 स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, 90 डिग्री पे होंगे दोनों, तो आपको नेट एक्सेलरेशन पूछी जाएगी, तो AC स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर, समझ में आ रहा है यहां तक, बस आप मुझे ये बताएं कि अगर मैं 80 पूछूं, 80 क्या होगा इसमें, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगी, ये बताओ, आप बस मुझे ये बताओ इसके ऊपर टेंजेंशियल फोर्स कितनी लग रही है, 1g sin 30, ये टेंजेंट है ना, क्योंकि अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूंगा तो सर्कल के साथ ये कैसे बनेगी, टेंजेंट, टेंजेंशियल फोर्स है, और अगर मैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पूछूं तो इस फोर्स को मास से डिवाइड कर दें तो सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, जी sin 30, तो ये क्या आ गई, 80 आ गई, तो मास हटा दो ना तो ये एक्सेलरेशन ऑटोमेटिकली टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, तो mg sin थीटा को m से डिवाइड करेंगे, जी sin थीटा, समझ में आया यहां तक, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की जगह क्या पुट करेंगे, जी sin 30 का स्क्वायर, और सेंट्रिपिटल का फॉर्मूला वी स्क्वायर बाय आर, आर तो इसमें 1 है, तो वी तुम यहां से एनर्जी कंजर्वेशन से निकाल ही लोगे, वी की वैल्यू यहां पुट करके नेट एक्सेलरेशन भी निकाली जा सकती है, तो आइडिया समझ में आया, तो इसके अंदर दो दो एक्सेलरेशन है, ये बात समझ में आती है, एक टेंजेंशियल है क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है, और एक सेंट्रिपिटल है, सेंट्रिपिटल तो वी स्क्वायर बाय आर है, बात ही खत्म है, वो तो निकल ही जाएगी, और टेंजेंशियल भी निकल जाएगी, mg sin थीटा को m से डिवाइड करके जो एक्सेलरेशन बची वो टेंजेंशियल है, आंसर।